जिस प्रकार का एक आपराधिक रिकॉर्ड था इसका, अंतोगत्वा किसी दिन तो ये होना ही था। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रकार से वो सरेंडर हुआ या गिरफ्तार हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस श्रेय लेना चाहती है। लेकिन ये बात साफ है कि उसको सिक्योरिटी पुलिस, जो निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ा था। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी भी नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि उसने उज्जैन क्यों चुना, मध्य प्रदेश क्यों चुना। मुझे जो लगता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए, और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ, यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया। और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी थे और इसका। तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति, ऐसे खोकार व्यक्ति गिरफ्त में है, तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती। तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसने पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों इनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी कर्मचारी पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों की का खुलासा होता है। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हम खुश हैं।